तौर पर कर्मयोग उनके लिए होता है जो कि किसी पूजा पाठ की प्रक्रिया में विश्वास नहीं रखते, हाँ, और भक्ति में उनको आनंद नहीं आता, भक्ति उनको प्रिय नहीं होती, किसी भी संप्रदाय में यकीन नहीं होता है, भगवान में उनको विश्वास, हाँ उल्टे हैं, वही मैं कह रहा हूँ। तो एक मेरे कहने मतलब कर्म के अलग स्तर हो सकते हैं, कई कई स्तर हो सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर अगर देखें तो कर्मयोग उनके लिए है जो कि सामान्य तौर पर भक्ति ना रखते हों, किसी व्यक्तिगत भगवान में आस्था ना रखते हों, है ना। व्यक्तिगत भगवान का मतलब कि राम कृष्ण, हालांकि इसमें मना नहीं कर सकते भाई, कई ऐसे लोग हुए हैं जो कर्मयोगी भी थे, है ना। जैसे तुलसीदास जी का आप ले प्रसंग, और तुलसीदास जी राम के परम भक्त हैं, है ना, लेखन कार्य कर रहे हैं रामचरितमानस का। कर्म के विविध स्तर हो सकते हैं, ये आपने समझ लिया कि कर्मयोग के विविध स्तर होते हैं, कर्मयोग के लिए किस तरह के व्यक्तित्व उसके लिए उपयुक्त हो सकता है। तो एक तो वे लोग हैं जो बहुत भावुक ना हो, भावुकता में यकीन न रखते हों, बहुत ज़्यादा वैचारिक प्रक्रिया में भी बहुत ज़्यादा यकीन ना रखते हों, बहुत ज़्यादा सोचने की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा बौद्धिक भी ना हो, पढ़ने लिखने की भी प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा यकीन ना हो उनका, बहुत अधिक इंटेलेक्चुअल ना हो, बल्कि बहुत ही मेहनत कश हो, मेहनत कश इंसान कर्म में यकीन रखते हों। हालांकि इसका आशय आप ये मत निकालिए कि जो व्यक्ति बौद्धिक है वो कर्मशील नहीं हो सकता, है ना। कभी कभी ये भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति में कर्मयोग अधिक हो उसके जीवन में, भक्ति योग उससे कम हो, ज्ञान योग उससे भी कम हो, या ज्ञान योग थोड़ा ज़्यादा हो, संभव हो सकता है।